राजू बेटा अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहेगी। तो इसकी चिंता मत कर माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। बेटा माँ बाप के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते, समझे? ठीक है माँ, मैं छोटा रहता हूँ। तू नहीं सुधरेगा। अच्छा माँ, अच्छा बापू। हाँ। बेटा खत लिखते रहना। अच्छा माँ। बेटे अपना ख्याल रखना। हाँ राजू के बापू। हाँ? हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारा आज सपना पूरा हो गया। हाँ। भाई रुक जा। कौन हो तुम, नीचे उतर। मैं कहता हूँ नीचे उतर। छोड़ दो मेरी बीवी को। तू तो जवाने में भी खूबसूरत थी, बुढ़ापे में भी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा था ना, इसी ही जन्म में मैं तुझे हासिल करके रहूंगा, वो वक्त आ गया है समझी? ना वो वक्त आया है चौधरी, ना कभी आएगा। कमीने, छोड़ दे मेरी बीवी को। नहीं छोड़ूंगा मैं। कुत्ते, छोड़ दे मेरी बीवी को। चौधरी, छोड़ दे मेरी बीवी को। कुत्ते कमीने, चौधरी। बहन, ये जुल्म किसने किया पता? और अपनी बहन को हुक्म दे कि मैं उस जालिम को जिंदा दफन कर सकूं। नहीं बहन, मेरे ऊपर हुए जुल्मों का बदला मैं खुद लूंगी। मुझे मेरे पति की जलती हुई चिता की कसम, इसी जगह जब तक चौधरी को मैं जिंदा अपने पति की तरह नहीं जला दूंगी, तब तक मैं ये बंदूक नहीं छोड़ूंगी। आज मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ। इंस्पेक्टर खान, दिन दहाड़े एक आदमी को जिंदा जला दिया गया और तुम कहते हो मुजरिमों का कोई सुराग नहीं मिला? शेम ऑन यू। तुम जैसे लापरवाह पुलिस ऑफिसर की वजह से हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। सर मैं उन मुजरिमों को बहुत जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। कोशिश 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 शब्द सच्चे है मुझे। सर मैं जरूर गिरफ्तार करूंगा। दिस इज लास्ट वार्निंग, नेवर रिपीट अगेन, गेट लॉस्ट। ठीक है सर। बहन, अगर मैं जालिमों का मुकाबला करते हुए मर भी गई
तो मेरे बेटे से कहना मेरी अस्थियों को भी मेरे पति की अस्थियों के साथ बहा दे। बहन, तेरी ये बहन तेरी तरफ आने वाली हर बला को कुचलकर राख कर देगी। बस तू अपने कर्तव्य को पूरा कर। मुंशी चलो। कम्मो बहन तुम? हाँ मैं। मगर मेरा क्या कसूर है कम्मो बहन? चिंता मत कर मुंशी, मैं तुझे मारने नहीं आई हूँ। मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि अगर राजू का कोई खत आए तो उसको हमारी बर्बादी के बारे में बिल्कुल मत बताना। उसको हमेशा हमारी खुशहाली ही लिखना, क्योंकि अगर उसको पता चला तो वो ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ जाएगा। ठीक है कम्मो बहन, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन एक बात बताऊं कम्मो बहन, तुम्हारी बर्बादी में इंस्पेक्टर खान का भी हाथ है। इंस्पेक्टर खान? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे साथ वो अत्याचार हुआ था ना, मैं उसी दिन इंस्पेक्टर खान के पास गया था पुलिस स्टेशन मदद मांगने के लिए। उस आदमी का कुछ पता चला? इंस्पेक्टर साहब। अबे रुक रुक। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। खड़ा होके बात कर। इंस्पेक्टर साहब, वो किले के पीछे जंगल में कुछ बदमाशों ने कमो और दीपू को घेर लिया। मुझे डर है कहीं वो लोग उन्हें मार न डाले। आप जल्दी चलिए मेरे साथ इंस्पेक्टर साहब। छोड़, हाँ छोड़। हाँ कौन है वो गुंडे? मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, लेकिन आप वक्त बर्बाद मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, जल्दी चलिए। तू उन्हें नहीं जानता, मगर मैं सब जानता हूँ कौन है वो। मगर ये बात तू किसी और को ना बता दे, इसलिए तुझे अंदर रहना पड़ेगा। राम सिंह, लॉकअप में बंद कर दो। इंस्पेक्टर साहब, वो कम्मो। देख कम्मो के बच्चे, चल के अंदर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ इसे। अब मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब। बेवकूफ, ये नहीं जानता कि पुलिस की छत्र छाया के बिना कोई क्राइम नहीं पनप सकता। ये बात बताकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है मुंशी, लेकिन आज के बाद मैं चौधरी के माल गोदाम को जलाकर राख कर दूंगी, ताकि उसको भी पता चल जाए कि कम्मो ने आज से उसकी बर्बादी की शुरुआत कर दी है। नहीं कम्मो बहन, नहीं, इस अनाज को मत जलाना। कम्मो बहन, इस अनाज से तो कई गरीबों का पेट भरता है, अगर जलाना ही है ना तो उस पापी चौधरी को जला। बात तो तू ठीक कहता है मुंशी, लेकिन एक बात याद रख, अगर तूने मेरे आदेश के अनुसार मेरा कहा नहीं माना तो याद रख चौधरी के साथ साथ मैं तुझे भी जला के राख कर दूंगी। देखो, गौर से देखो इन्हें, इनमें से कौन कम्मो के साथ था, पहचानो। ये था इंस्पेक्टर साहब, कम्मो के साथ यही था। अच्छा, इसका मतलब है कि कम्मो डाकू सुल्ताना के गिरोह में शामिल हो गई। अब ये ज्यादा देर मेरे हाथों से बचकर नहीं रह सकती। बेटा, हम सब यहाँ पर खुश हैं, तुम हमारी चिंता मत करना। तुम्हारे बापू तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं कि तुम वहाँ अकेले कैसे रह रहे हो। और बेटा, हम सभी आंखें बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि तुम जल्द से जल्द पुलिस की वर्दी पहन कर आओ, और फिर हम तुम्हारी शादी वहीं करा दें जहाँ तुम चाहते।